हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। आज मैं आपके तीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम, आप में से कितने लोगों को पीछे की साइड में ज्यादा बेस आता है बॉक्स के रेदर देन सामने, यानी आपका बॉक्स पीछे ज्यादा बजता है सामने कम बजता है, कितने लोगों को लगता है? सेकंड है, क्या आपको अपने डीजे या लाइव साउंड से थोड़ी दूरी पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे मिड कम आ रही है या आवाज कम आ रही है, बेस और ट्रबल ज्यादा लग रही है, आवाज कम लग रही है? तीसरा, क्या दूर खड़े रहने के बाद कई बार आपको लगता है कि मेरी ट्रबल की आवाज कट रही है थोड़ी बहुत, मतलब कटती है वापस आती है? ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, मैं आपको बताता हूं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और क्योंकि इन दोनों में मुझे आपसे इंटरेक्शन करने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो मैं इस टाइप की वीडियोस और भी लाना चाहता हूँ। बहुत सारे कंसेप्ट है जो अभी तक अनछुए हैं। यूट्यूब पर भी कोई इस टाइप की वीडियोज़ बहुत कम देखी मैंने, और क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लोग छोड़ देते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इन टॉपिक्स को कवर करूं। आशा करता हूं कि कल की वीडियो अच्छी लगी हो, और आज की वीडियो तो बहुत धमाकेदार होने वाली क्योंकि टॉपिक ही ऐसा प्रिपेयर किया है। चलिए आंसर पे आते हैं हमारे। आज के वीडियो का टॉपिक है फेज। फेज या पोलैरिटी, इसको हम लोग रूप के नाम से भी जानते हैं। सिंपल वे में समझाता हूं, क्योंकि ये टॉपिक इजी नहीं है, टॉपिक हार्ड है, लेकिन कोशिश तो करना ही है समझाने के लिए। तो एक एस्पेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं इजी वे में, एग्जांपल के थ्रू। स्पीकर कैसे बजता है? सबसे पहले तो स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि आवाज जो निकालता है, वो अपने आगे पीछे होने वाले एक्शन से निकालता है। यानी हमारा स्पीकर का जो कोन होता है, जो पर्दा होता है, वो आगे या पीछे होता है। आपने देखा उसकी कॉइल ऊपर नीचे होती है, तो इस फ्रंट बैक एक्शन के थ्रू हमारा स्पीकर आवाज निकालता है, करेक्ट है? अब मान के चलते हैं आपका स्पीकर ने बेस दिया, तो वो फ्रंट आया, फिर वो पीछे गया, एक एक्शन हुआ ना, तो इस आगे जाना पीछे जाने से आवाज क्रिएट होती है, उस आवाज को हम लोग वेव बोलते हैं, साइन वेव। खैर मैं इस पॉइंट पे नहीं आ रहा, मेरा पॉइंट है कि आगे पीछे जो स्पीकर हो रहा है, तो जिस टाइम पे आपका एक स्पीकर आगे जा रहा है, उस टाइम पे दूसरा स्पीकर अगर साथ में आगे जाता है, तो दोनों का फेज या पोलैरिटी एक ही है। अगर एक स्पीकर आपका आगे जा रहा है पेपर या कोन उसका, और दूसरे का पीछे आ रहा है, तो आपकी पोलैरिटी या फेज जो है वो सेम नहीं है, आपकी पोलैरिटी रॉन्ग हो गई, आपका फेज रॉन्ग हो गया है। अब इसको ऐसे और एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग, ठीक है? मान के चलते हैं कि आपने एक बेस कनेक्ट कर दिया। आप ये साइड में कुछ ग्राफिक्स देखिए कि स्पीकर के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, ठीक है? अगर एक स्पीकर का प्लस आपने कनेक्ट कर दिया दूसरे स्पीकर के प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आपका कनेक्शन प्रॉपर हो गया, दोनों एक ही फेज में हो गए। यानी एक का कोन जब बाहर आएगा, दूसरे का भी तभी बाहर आएगा, यानी कि दोनों एक जैसे ही बजेंगे। लेकिन आपने इसमें गड़बड़ कर दी, आपने एक का प्लस दूसरे के माइनस को जोड़ दिया। मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा हूं। एक का प्लस दूसरे के माइनस को जोड़ दिया, या एम्पलीफायर से जो दो बेस के ऑप्शन आए, तो एक बेस को चला गया प्लस पे, वैसा ही सेम कनेक्शन दूसरे बेस के माइनस पे चला गया, तो ऐसे टाइम में आपका फेज रॉन्ग हो गया है। उस रॉन्ग फेज को आपको करेक्ट करना है। अब इसका और एक प्रभाव हमको दिखता है, कई लोग जैसे मैंने बताया कि बेस पीछे आ रही है, तो उनकी बेस का फेज या पोलैरिटी रॉन्ग हो गई है। कई लोगों की मिड कम हो जाती है दूर जाने के बाद, आपको समझ में आता है, तो उनकी मिड की पोलैरिटी रॉन्ग हो गई है। कई लोगों का ट्रबल कट कट
कट जाता है दूर जाने के बाद, तो उसकी आपकी ट्रबल की या हाई फ्रीक्वेंसी की पोलैरिटी रॉन्ग हो गई है, तो वो आपको करेक्ट करनी है। अब ये पोलैरिटी को हम लोग करेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आता है ना, कई बार हमको लाइव प्रोग्राम में आता है तो हमको उसको करेक्शन करना पड़ता है, लेकिन आप तब स्पीकर को तो खोल नहीं सकते, उसकी वायरिंग तो चेंज नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम अगर आपको कई बार ऐसे भी होता है कि आप मान के चलते हैं कि डबल 15 इंच आपने लगा दिया और 4 स्पीकर आपके कनेक्टेड है ना, उसमें से एक उड़ गया, सिर्फ एक उड़ा है, तो भी आपकी पोलैरिटी क्रॉस हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। आप करके देखिएगा, मतलब मैं उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको स्पीकर, लेकिन कभी कभार ये महसूस कर लेंगे आप लोग, जब एक स्पीकर उड़ता है ना 4 में से, तो बाकी 3 की पोलैरिटी रॉन्ग हो जाती है, आपकी आवाज़ मिड बैठ जाएगी पूरी। चलिए और एक बात करते हैं इसमें, कि अगर आप बजा रहे हैं सेटअप के सामने खड़े हैं, तब आप अगर एक्सपीरियंस है, अगर आप प्रोफेशनल है, अगर आपको लगभग 4-5 महीने हो गए सुनते सुनते इसको, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि पोलैरिटी रॉन्ग हुई है या नहीं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि फेज रॉन्ग होता क्यों है। कंपनी तो कोई आपको डायरेक्टली फेज रॉन्ग देगी नहीं, वो तो हर किसी का फेज करेक्ट देती है। एक होता है ये अनप्रोफेशनल वायरिंग की वजह से, जब आपने किसी और को वायरिंग करने के लिए दी और वो बंदा प्रोफेशनल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे वो आपकी वायरिंग गड़बड़ कर देगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस रॉन्ग कर देगा, ऐसे टाइम पे आपका फेस रॉन्ग हो गया। दूसरा है कि जब आपका कोई स्पीकर उड़ता है, हम लोग रिकॉन करवा के आते हैं, तो उसे अगर प्रॉपरली रिकॉन नहीं किया गया या उस टाइप का सेम कॉइल नहीं यूज किया गया, तो भी आपका पोलैरिटी रॉन्ग हो जाती है। तीसरा पार्ट है कि अगर आपने कोई ब्रांड चेंज कर दिया, जैसे आप मान के चलते हैं कोई आपने एक RCF का स्पीकर यूज कर लिया और उसके साथ कोई ऐसा ही मतलब सादा कंपनी का कोई स्पीकर लगा दिया, तो इन दो में भी फर्क आ सकता है, दो ब्रांड्स में भी फर्क आ सकता है पोलैरिटी का। तो ये 3 टाइप है जिससे कि पोलैरिटी रॉन्ग होती है, और खामियाजा आप जानते ही हैं। अब इसे करेक्ट कैसे किया जाए, सबसे मेन पॉइंट आज के वीडियो का, इस पोलैरिटी को राइट कैसे किया जाए। लेकिन अब उससे पहले आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपको बताइए कि जितना मैंने टॉपिक बोला है वो आपको सही लगता है या रॉन्ग लगता है, एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ ये मेथड सही है या आप मैं अपना मेथड को चेंज करूँ, आगे की वीडियोस के लिए मैं उस नए टाइप का मेथड कुछ फॉलो करूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इस चीज़ का। एक तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन ये है कि आप जज कीजिए कि क्या रॉन्ग हो रहा है, मतलब बेस रॉन्ग बज रहा है, मिड रॉन्ग बज रहा है या ट्रबल रॉन्ग बजता है। उसका जजमेंट जैसे ही आपको आ जाता है ना, तो लाइव प्रोग्राम में भी आप एम्पलीफायर से भी वायरिंग चेंज कर सकते हैं उसका, ठीक है, जैसे मैंने यहां से पलटा दिया उसका वायरिंग। लेकिन अगर आपका ड्यूअल वाली कैबिनेट है, तो वो आपको प्रोग्राम पे जाने से पहले ही आपको घर पे बजा के देख लेनी है कि क्या उसका फेज करेक्ट चल रहा है, या क्या उसका फेज दूसरे बेस के फेज के साथ मैच कर रहा है, यानी पूरे सेटअप का फेज भी होता है। 4 स्पीकर अगर आप बजा रहे हैं ना, तो 4 में से 3 करेक्ट हैं, 1 रॉन्ग है ना, तो 1 रॉन्ग भारी पड़ेगा। सेकेंड मेथड है जिससे कि आप इसको सेट कर सकते हैं, आप आजकल हम लोग जो क्रॉसओवर यूज कर रहे हैं, बेरिंगर का, DBX का, या जो ड्राइव रैक यूज कर रहे हैं हम लोग, स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, उसमें भी बटन दिया जाता है कि आप फेस चेंज कर सकते हैं, फेस का बटन होता है या उसका पोलैरिटी होता है, 360 तक आप पोलैरिटी सेट कर सकते हैं। मान के चलते हैं एक लाइव प्रोग्राम है, आपने उसमें राउंड शेप में मॉनिटर लगा दिए, तो आपको उनकी पोलैरिटी सबकी प्रॉपरली शेप करनी पड़ेगी, वो आप ड्राइव रैक या स्पीकर मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो एक तो आप अपने कनेक्शन प्रॉपर कर लीजिए, या तो उसे क्रॉसओवर से सेट कर लीजिए, ये 2 टाइप में आप अपनी पोलैरिटी को सुधार सकते हैं, जिससे कि आप उन 3 प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बोले हैं, उनसे आप अपना छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, पोलैरिटी का एक एस्पेक्ट ऐसा है कि जब एक स्पीकर सामने बेस दे रहा है, ठीक है, उसका कोन सामने आ रहा है, दूसरे का पीछे जा रहा है, तो वो माइनस प्लस वाला कैलकुलेशन हो जाता है, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, 1 प्लस 1 माइनस दोनों मिला के होता है 0, यानी न्यूट्रल हो जाएगा।
आपको अगर एक बेस फ्रंट जा रहा है एक बेस रिवर्स आ रहा है तो आपके वो दोनों जीरो हो जाएंगे, आपको बेस पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में हमेशा खुल के कहता हूँ, कमेंट्स में भी आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है कि सर एक फ्रंट और एक रिवर्स बेस मैच कर सकते हैं क्या, मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ। देखिए अगर आपके पास रिवर्स बेस है तो आप उसके साथ LF सीरीज के कैबिनेट यूज कर सकते हैं अगर आपको डुअल में चाहिए तो, सिंगल अगर आपके पास W बेन है तो। लेकिन अगर आपके पास स्कूप है, स्कूप वाला बेस है सिंगल वाला, तो अगर आपको उसके साथ डुअल लगाना है तो फ्रंट लोडेड वाले लगाएं, वी मैक्स या जो बहुत सारे टाइप आते हैं फ्रंट लोडिंग में उनमें से लगाएं। आप अगर W बिन के साथ फ्रंट लोडिंग या स्कूप के साथ LF सीरीज का कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो वेरी वेरी रॉन्ग हो जाएगा, आपको बेस का इफेक्ट नहीं मिलेगा, बशर्ते आप वायरिंग चेंज कर लें वगैरह वगैरह, वो तो देखिए मैं सॉल्यूशन बता ही चुका हूं। लेकिन इतला करना मेरा काम था और आशा कर रहा हूं कि आपको आज का टॉपिक यानी कि फेज या पोलैरिटी मैंने अच्छा प्रयास करके समझाने की कोशिश की। टॉपिक हार्ड था मैं जैसे बता चुका हूं, लेकिन मौका मिल गया है तो और भी टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसी टाइप के वीडियो से। लेकिन आप इन वीडियोस को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़े सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि और मजा आए वीडियो बनाने में। इस टाइप की 5 लाख पे पहुंचने वाले हम लोग, थोड़ा जल्दी चलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।